भगवद गीता नहीं पढ़ी अपनी लाइफ में। सो उसकी लाइफ वेस्ट है, क्योंकि भगवद गीता हमें क्या सिखा रही है, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च। प्रवृत्ति मतलब होता है क्या करना है, और निवृत्ति मतलब होता है क्या नहीं करना, डूज एंड डोंट्स। सो क्या एक्शन होना चाहिए, क्या एक्शन नहीं होना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। अगर आपको ये भी नहीं पता तो फिर तो हमारा जीवन एनिमल्स की तरह हो गया। नहीं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, वही तो जानवर करते हैं। इसलिए कृष्णा गीता में कह रहे हैं कि जो मुझे नहीं जानता वो मूर्ख है और उसकी लाइफ वेस्ट है। सो भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हम उनकी गीता पढ़े, क्योंकि भगवान हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आए थे यहाँ पर, और भगवान ने हमारे लिए गीता बोली है। सो गीता में ऐसा क्या है जो कि बहुत महान महान लोग भी गीता की प्रशंसा करते हैं, और गीता नहीं पढ़ने से हम लोग के साथ क्या होगा, ये भी गीता में लिखा है। सो भगवान सातवें अध्याय में अपना ज्ञान दे रहे हैं कि मैं कौन हूं। सबसे पहले तो जानना पड़ेगा भगवान कौन है, क्योंकि अगर हमें, क्योंकि पशु, क्योंकि जानवर और मनुष्य में ही फर्क है। जानवर भगवान के बारे में जिज्ञासा नहीं कर सकता, नहीं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये वेदांत सूत्र यहीं से शुरू होता है। जानवर भी इंटेलिजेंट होते हैं, कैट बहुत इंटेलिजेंट होती है, कैट इंटेलिजेंट मानी जाती है, इंटेलिजेंट एनिमल। कहीं बर्ड्स बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, अमेरिका से उड़ के आती है नहीं गोवा, माइग्रेटरी बर्ड्स, इंटेलिजेंट, अदरवाइज रास्ता कैसे ढूंढेंगे। सो इंटेलिजेंस होती है सब में, मगर एक टाइप की इंटेलिजेंस नहीं उनमें, वो है कि भगवान को कैसे समझे। वो एनिमल्स कभी अपने से क्वेश्चन नहीं कर सकते कि हु एम आई, उसके माइंड में कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा। कभी आपने देखा है कि मीटिंग हो रही है डॉग्स के बीच में कि मैं कौन हूं, कभी नहीं होगी, क्योंकि उनके माइंड में क्वेश्चन नहीं आ सकता, उनके माइंड स्विच्ड ऑफ है। मगर हमारे मनुष्य के माइंड में आता है कभी ना कभी, एटलीस्ट बचपन में तो आता है, बच्चे पूछते हैं पापा से, पापा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तारे क्या है, आसमान क्या है, कीप ऑन आस्किंग। उस टाइम क्वेश्चंस होते हैं हमारे माइंड में बड़े सारे, मगर बचपन से जब हम बड़े होते हैं तो पापा मम्मी और रिश्तेदार उसे हमारे दिमाग में डाल देते हैं कि बेटे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये सब क्वेश्चन छोड़ो, ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है, एंजॉय करो। सो हमारी जिज्ञासा खत्म हो जाती है फिर तो। इसलिए मनुष्य मतलब मन प्लस ईश्वर, मनुष्य मन मतलब माइंड, ईश्वर मतलब कंट्रोल। जिसको अपने माइंड पे कंट्रोल है वो मनुष्य है, जिसको अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं है वो एनिमल है। सिंपल, भगवान गीता में बता रहे, सिंपल है नहीं है। तो मोस्टली 99% लोगों को अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं है, जो माइंड कहता है हमें करना पड़ता है, नहीं, माइंड कहता है उससे द्वेष करो, द्वेष आ जाएगा। माइंड कहेगा कि खाना खा लो, हम अनकंट्रोल हो जाएंगे, खा लेंगे। माइंड कहेगा टीवी देख लो, रोक नहीं सकते हम अपने आप को। माइंड कहेगा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, दिमाग खराब हो जाएगा काम वासना से। आप कैसे रोके, इतनी बड़ी बड़ी फोर्सेस हम पे एक्ट कर रही हैं, हम नहीं रोक पाएंगे उन चीज़ों को। सो हमारा माइंड पूरी तरह अनकंट्रोल्ड है, मगर मनुष्य मतलब जिसका माइंड कंट्रोल में है। और जब माइंड कंट्रोल में आता है तब ये पहला क्वेश्चन आता है कि मैं कौन हूं और भगवान कौन है। एक पागल खाने में पागल आदमी ये नहीं पूछ सकता अपने से क्वेश्चन कि वो एम आई, भगवान कौन है, क्योंकि पागल है ना, उसका माइंड कंट्रोल में ही नहीं है, जो भी कुछ सोचे जा रहा है। इसलिए
कृष्ण कह रहे हैं नूनम प्रमत्तः कुरुते विक्रम। जब मनुष्य पागल हो जाता है, प्रमत्तः मैड, क्योंकि उसका माइंड कंट्रोल में नहीं होता, तब वो गलत काम करना शुरू कर देता है। कुरुते विक्रम, विक्रम कुरुते विकर्म, विकर्म विकर्म मतलब गलत काम जो नहीं करना चाहिए। सो भगवान कौन है इसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता तो वो उसी तरह है कि आपको यही नहीं पता कि आपके मम्मी पापा का नाम क्या है। अगर आपसे पूछे आपके मदर फादर का नाम क्या, आपको पता नहीं तो क्या बोलेंगे आपको? महाराष्ट्र में बोलते हैं लवारिस, लवारिस बोलते नहीं, बोलते हैं लवारिस नहीं होता, बस वही है। अगर आपको यही नहीं पता भगवान कौन है, सो हम लवारिस हैं, बस घूमे जा रहे। ये मैं नहीं कह रहा, वाल्मीकि जी कह रहे हैं रामायण में कि जिसके जिसके नाथ श्री कृष्णा नहीं है, जिसको अपने नाथ के बारे में नहीं पता, वो अनाथ है। सो भगवान कौन है इसके लिए ये बुक है। इसके लिए आपको टीवी देखने की जरूरत नहीं है, आस्था संस्कार वो आप देख सकते हो, मगर अब ये बुक आपको बताएगी कि भगवान कौन है, क्योंकि ये भगवत गीता है, भगवान ने बोली है, भगवान खुद ही बता रहे हैं मैं कौन हूं, तो इससे अच्छी बुक क्या होगी। बाकी किताबों में तो और ऋषि मुनि बता रहे हैं कि भगवान कौन है, मगर इस किताब में भगवान खुद ही बता रहे हैं, तभी तो भगवत गीता नाम है। भगवत मतलब भगवान, गीता मतलब जिनका गीत है। सो कृष्णा खुद ही बता रहे हैं, कृष्णा क्या बता रहे हैं 7 चैप्टर में, 7वें अध्याय में भगवान ने 7 तरह के लोगों की बात की है, 7 types of people। सो भगवान की दृष्टि में जो क्लासिफिकेशन है लोगों की, वो चाइनीज, हिंदू, कोंकणी, मराठी ऐसे नहीं है, देखो अलग क्लासिफिकेशन है। अब भगवान की क्लासिफिकेशन में आप देखना आप कहां फिट होते हो, अब आप खुद ही देखो कहां फिट होते हो, और फिर भगवान बताएंगे हर एक व्यक्ति जो 7 तरह के लोग हैं उनका निष्कर्ष, उनका हर्ष क्या होगा, उनकी डेस्टिनेशन क्या है। अलग लोगों की अलग अलग डेस्टिनेशन है, आप इस जीवन के आप कहां जा रहे हो, सी आई टोल्ड यू। सो कृष्णा 7 तरह के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, 7 types of people। सो कौन कौन है लोग, ओके फाइन। भगवान पहले ये 7 चैप्टर में आई थिंक कितने वर्सेस हैं, लेट्स हैव अ लुक, आई थिंक 30 वर्सेस हैं, 30 श्लोक हैं, और 30 श्लोकों में भगवान ने बताया मैं कौन हूं, और 7 तरह के लोग हैं, जो कुछ लोग मेरी पूजा करते हैं, कुछ लोग मेरी पूजा नहीं करते, कुछ लोग मेरी पूजा गलत ढंग से करते हैं, कुछ लोग पूजा सही ढंग से करते हैं। सो क्लासिफिकेशन कर दी, ओके। सो पहले भगवान बता रहे मैं कौन हूं, फिर बताएंगे मेरी पूजा कौन कौन करता है कौन नहीं करता, एंड देन ही विल डिवाइड। सो भगवान कह रहे हैं श्री भगवान उवाच मैया सक्त मना पार्थ योगम युन जन्मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथाभ्यासी तत्श्रिणु। सो भगवान कह रहे हैं कि देखो लाइफ का एम क्या है, मई आसक्त मना पार्थ, मई मतलब क्या होता है किसी को पता संस्कृत, मई मतलब मुझ में, इन मी, मुझ में, मुझ में मतलब क्या होता है, मुझ में मतलब मुझ में, मुझ में मतलब कोई देवी देवता नहीं होते, मुझ में मतलब लाइट नहीं होता, मुझ में मतलब गणेश जी नहीं होते, मुझ में मतलब दुर्गा जी नहीं है, मुझ में मतलब ब्रह्मा जी नहीं है, मुझ में मतलब वायु नहीं है, वरुण नहीं है, प्रजापति नहीं है, इंद्र नहीं है, आग्नेय नहीं है, वायु नहीं है, मुझ में मतलब कृष्ण है। क्लियर है नहीं है? अगर कुछ और होता तो भगवान बोल देते, भगवान ने ऐसा नहीं कहा, मुझे मतलब मुझ में सिंपल। अगर आप लिटरल ट्रांसलेशन लो, तोड़ मोड़ना चाहोगे तो वो बात कर सकते हो, बट अगर गीता को यथारूप लो, इसलिए गीता का नाम क्या है यथारूप, एज इट इज यथारूप लिखा है हमने। सो मुझ में मना आसक्त पार्थ, मुझ में अपना मन आसक्त करो, सो मुझ में मन अपना मन अटैच करो। अब ये बड़ा मुश्किल है, अपना मन भगवान से आसक्त करना बहुत मुश्किल है नहीं, इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हमारा मन और चीजों में आसक्त है नहीं है, हमारा मन हमारे भाई, हमारे बच्चों, हमारे रिश्तेदार, हमारी प्रॉपर्टी, अगर ये कुछ भी नहीं है तो हमारे अपने में, अपने शरीर से या अपने जीवन से हम लोग आसक्त है नहीं है, हम लोग अटैच्ड है। भगवान कह रहे हैं सारी अटैचमेंट हटा के मुझसे अटैचमेंट लाओ, मगर ये होगा नहीं प्रैक्टिकल
बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। आप कहोगे यार ये तो इम्पॉसिबल है, तो सन्यासी कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। मगर एक्चुअली ये हर कोई कर सकता है। आप भक्ति करके अपने परिवार के साथ घर में रहते हुए भी डिटैच हो सकते हो, पूरी तरह निरासक्त हो सकते हो। ये पॉसिबल है क्योंकि इतने सारे डिवोटीज मैरिड थे, नहीं पांडवास मैरिड थे, नहीं मैरिड थे, युधिष्ठिर महाराज सबका अपने परिवार था, बल्कि बड़ा बड़ा राज्य था, फिर भी सबसे आसक्त निरासक्त होकर भगवान से आसक्त थे। तो ये कैसे होगा? ये होगा योगम युंजन मदाश्रय। भगवान कह रहे हैं जब तुम मेरी नॉलेज लोगे, जब मुझे समझोगे और मेरी भक्ति करोगे, स्पेशली मेरा नाम लोगे, तब मुझसे आसक्ति हो जाएगी। इसीलिए हम लोग अभी चैंटिंग कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। दो चीजें करनी है, श्रवण और कीर्तन। श्रवण मतलब गीता को सुनना, आप सुन रहे हो, और कीर्तन मतलब भगवान का नाम लेना। बस इससे भगवान से अटैचमेंट हो जाएगी। कृष्णा कह रहे हैं अगर तुम मुझसे आसक्त हो जाओगे, असंशयम समग्रम माम, तो पूरी तरह मुझे जान जाओगे। और अर्जुन अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताने वाला हूं मैं कौन। सो कृष्णा क्या कह रहे हैं, अपने बारे में बताने से पहले भगवान पहले अपने ज्ञान, अपनी भक्ति की प्रशंसा कर रहे हैं। भगवान को जानने का तरीका भगवान की भक्ति है, नहीं, भगवान की भक्ति मतलब श्रवण कीर्तन, भगवान के बारे में सुनना, उनका कीर्तन लेकर उनका नाम लेना, ये सब भगवान की सबसे बड़ी सेवा है। सो कृष्ण अपने भक्ति की महिमा गा रहे हैं। भगवान को अच्छा लगता नहीं अपने भक्ति के बारे में, अपने भक्तों के बारे में बोलना? ऐसे हमें नहीं अच्छा लगता अपने बच्चों के बारे में बोलना? ऐसे ही भगवान अपने डिवोटीज के बारे में बोलते हैं, अपने डिवोशन के बारे में बोलते हैं। सो कृष्ण क्या कह रहे हैं, ज्ञानम ते अहम सब विज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यज ज्ञातवा नेह भूय अन्यज ज्ञातवम अवशिष्यते। अर्जुन जो मैं तुम्हें बता रहा हूं उसको जानने के बाद और कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रह जाएगा। यू सी, इसलिए गीता को पढ़ने के बाद आपको कुछ जानने के लिए कुछ भी नहीं रह गया। सारे वेदों में, सारे वेद एक तरफ, गीता एक तरफ। अगर आपने गीता पढ़ ली तो आपने सारे वेदों की नॉलेज ले ली, आप लोग उससे भी ज्यादा पढ़ लिया। कृष्णा खुद कह रहे हैं मैं तुम्हें वो बताने वाला हूं जो कहीं भी नहीं बताया हुआ, सब चीज का सार बता रहा हूं। तभी तो बहुत फेमस है गीता, तभी तो लोग कहते हैं गीता पढ़ोगी। ओके, मगर अब कृष्ण अपने बारे में बताने से पहले बता रहे हैं कि संसार में भगवान को जानने वाला बहुत दुर्लभ है। तो शंकराचार्य लिख रहे हैं कि बाला तावत क्रीड़ा सकता, जब बालक जो होते हैं, जब बच्चे होते हैं हम, तो खेल कूद से आसक्त होते हैं। तरुणी तावत तरुणी सकता, जब जवान होते हैं तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स उनसे आसक्त होते हैं। वृद्धा तावत चिंता सकता, और जब बूढ़े आते हैं तो चिंता से आसक्त हो जाते हैं, हाँ ये हो गया, वो हो गया, ऐसा होगा, अब होगा। परे ब्रह्मणि को अपना ना सकता, मगर शंकराचार्य लिख रहे हैं मैंने आज तक एक भी व्यक्ति नहीं देखा जो पर ब्रह्म कृष्ण से आसक्त नहीं है, कृष्ण से आसक्त ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा मैंने। और जो आसक्त हो जाएगा, कौन आसक्त होगा भगवान से, कौन भगवान की भक्ति करेगा, कौन भगवान को समझने के लिए निकलेगा, कौन समझ जाएगा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य भगवान को जानना है, उसकी स्टैटिस्टिक्स क्या है, कितने लोग समझेंगे? अगर हम पूरे गोवा में प्रीचिंग करें, सबको बताएं, तो क्या सब लोग मान लेंगे? जैसे आप लोग, अगर मैं आपको बता रहा हूं, मुझे पता है आप में से बहुत लोग शायद ना भी मानो, भूल जाओगे सब कुछ घर जाकर, क्योंकि कृष्णा कह रहे हैं मनुष्य नाम सहस्रेशु कश्चित् तति सिद्ध है, हजारों में से एक को भगवान की बात समझ आएगी, एक, ये भगवान की स्टैटिस्टिक्स है। सहस्रेशु मतलब हजार। सो अगर इस रूम में हजार लोग होंगे तो एक को समझ आएगा, बाकी लोगों का क्या होगा? बाकी लोग यहां से घुसेगा, यहां से निकल आएगा, भूल जाएंगे, इस रूम से बाहर निकलते सब भूल जाएंगे। ऐसा होता नहीं होता, हमने कितनी बार सुना है मगर हम भूल जाते हैं। कितने साधुओं ने बोला है, संतों ने बोला है कि भी भक्ति करो, गीता पढ़ो, तब भी हम ध्यान नहीं देते, हमारे अपने एक्सक्यूज होता है, टाइम नहीं है, कन्फ्यूज हो जाएंगे नहीं हम लोग। तथा हम अपनी सिद्धा नाम, और उन हजारों में से जो एक
उन हजारों में से जो समझेगा कि कृष्ण कौन है, उनमें से एक भगवान को प्राप्त करेगा। कश्चन माम वेति तत्वता, सी इट्स सो रेयर। इसलिए भागवत में लिखा है नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा, नारायण परायण सुदुर्लभ, बहुत दुर्लभ व्यक्ति होता है कोई जो भगवान के पास आता है, जिसकी बुद्धि चलने लगती है कि यस मैं कर क्या रहा हूं लाइफ में, मैं अपनी लाइफ ऐसे लीड कर रहा हूं, खाना पीना सोना मर जाओगे, ये यही कर रहे हैं ना हम लोग, है नहीं, थोड़े पैसे कमा दिए, थोड़ा खा लिया, थोड़ा सेक्स कर लिया, थोड़ा मारपीट लिया, किसी को गंदा बोल दिया, इससे पैसे लूट लिए, बस यही, दैट्स ऑल, बस हम यही करके मर जाएंगे बस। क्या अभी ऐसी लाइफ चाहते हो? चाहते क्या हो? शायद जी तो नहीं रहा ऐसी लाइफ, दिस लाइफ इज नॉट गुड। तो अगर गीता की नॉलेज नहीं है तो विजडम नहीं है। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं कि भगवान को एक ही व्यक्ति समझेगा, वो कौन समझेगा? जिसको साधु संग मिलेगा। अभी गोवा में हजारों लोग हैं नहीं, और हजारों लोगों में से यह इस रूम में कुछ बैठे लोग सुन रहे हैं। सो अगर आप सब आ जाओगे भक्ति में तो भी स्टैटिस्टिक्स वही की वही बनी रहेगी, क्योंकि 100,000 में इतने करोड़ों लोगों में इतने से लोग आए हैं, तो अगर परसेंटेज निकालोगे तो उतनी आ जाएगी, 0.00001%, क्योंकि हम सब तक पहुंच भी नहीं सकते, कई लोग तो आएंगे ही नहीं। कितने टूरिस्ट हैं यहाँ पे, रशियन आ रहे हैं, अमेरिकन आ रहे हैं, वो तो सुनने भी नहीं आएगा। तो भगवान के पास कौन आता है? भगवान के पास वो आता है जिसको साधु संग मिला है। साधु संग मिलना ही मतलब स्पिरिचुअल लाइफ की शुरुआत हो गई, मगर अच्छा साधु संग, वो वाला साधु संग नहीं जिसमें आपको आशीर्वाद मिल रहा है, वो तो बहुत होते हैं साधु, नहीं होते, नहीं होते, आप जाओ पैर छूओगे स्वामी जी आशीर्वाद, ओके तथास्तु आशीर्वादम, वो अच्छा साधु नहीं है। वो साधु है मगर अच्छा नहीं है। अच्छा साधु वो है जो आपको बताए कि जन्म और मृत्यु बहुत खतरनाक है, जो आपको बताया कि अगर आप भक्ति नहीं करोगे तो अगली लाइफ में आपको फिर से डॉग या कैट या कोई जानवर बनना पड़ेगा। जो भगवान की बात एज इट इज आप तक पहुंचा रहा है वो अच्छा साधु है। भगवान गीता में बोल रहे हैं, मैं इसमें से ना कुछ डिलीट कर रहा हूं ना कुछ ऐड कर रहा हूं, मुझसे मत कहना कि मैं ऐसी चीजें बोल रहा हूं, ये मैं नहीं बोल रहा, ये कृष्णा कह रहे हैं गीता में। मैं प्रभुपाद अपने लेक्चर में कह रहे थे कि प्रभुपाद जी हमारे फाउंडर आचार्य संस्थापक आचार्य, वो कहते हैं कि भी गीता में तो एक भगवत एक व्यक्ति ने पूछा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इतने कटु शब्द, कटु शब्द समझते हैं? तो प्रभुपाद ने बोला मैं थोड़ा ना बोल रहा हूँ, भगवान बोल रहे हैं, मेरा काम है तुम तक ज्ञान पहुंचाना। अगर कोई आदमी सो रहा होता है तो क्या करते हो आप? तो उसको उठाना मुश्किल है नहीं है? आप कितनी घंटी वंटी बजाओ, कुछ भी करो, सोया पड़ा है सोया पड़ा है। कभी कभी टीवी पूरा खोल देते हैं तब भी बच्चे बच्चे सोते नहीं रहते, दरवाजा खटखटे रहो तब भी नहीं उठता। सो अगर बिल्कुल ही सोया हो तो क्या करना होता है उसको उठाने के लिए? क्या करना है? आवाज दो तब भी नहीं उठ रहा तो क्या करते हैं? बचपन बच्चे छोटे नहीं होते तो पापा मम्मी क्या करते हैं? उसको उठा के बेड पे फेंकते हैं, नहीं करते नहीं करते या तो 2-3 थप्पड़ मारते हैं, चलो उठो, तब उसकी नींद खुलती है, हो पाए। सो अभी हम बहुत बुरी तरह सोए हुए हैं और हमारा नाम लेके भी हम नहीं उठ पा रहे, नॉलेज देके भी नहीं उठ पा रहे। इसलिए असली साधु क्या करता है? थप्पड़ मारता है कि तुम्हारी लाइफ वेस्ट हो रही है भाई, देख लो आप, और वेस्ट करनी है तो कर लो, हमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर तब जाके दिमाग खुलता है, ओ यार अब आज समझ आया मुझे, क्योंकि नींद में कुछ समझ नहीं आता ना। सो कृष्णा मार रहे थप्पड़, हजारों में से एक मुझे समझेगा। और फिर कृष्णा कह रहे हैं, फिर अपने बारे में बता रहे हैं, अब बता रहे हैं, देखो मुझे समझना बड़ा मुश्किल है, अब मैं कौन हूं? कृष्णा कह रहे हैं यहां पर, मैं वो हूं भूमि रापो नलो वायु खम मनोबुद्धि रे बचा अहंकारित अम्मे भिन्न प्रकार दृष्टा था। कृष्णा कह रहे हैं मुझसे ही पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये 8 चीजें मुझसे ही प्रकट हुई हैं। भगवान वो है जो सब कुछ जन्म देते हैं,
सब कुछ सबकी सृष्टि करते हैं वो कृष्ण है। सो अग्नि वायु चंद्रमा सूर्य सब भगवान की है। आपने देखा होगा महाभारत में हुआ था ना, जब अर्जुन ने बोली थी शपथ कि मैं उसको मारूंगा जयद्रथ को, मगर सूर्यास्त हो गया वो मार नहीं पाए, तो भगवान ने फिर सूर्य को ऑर्डर नहीं दिया था कि दोबारा से उठ जाओ, सूर्य ने ऑर्डर मांगी, माना, फिर दोबारा उदय हो गया। सो अगर कोई व्यक्ति कहता है मैं भगवान हूं तो उसको बोलो ठीक है, सूर्य को दोबारा उग के दिखाओ, तुम भगवान हो ना, तो सन को ऑर्डर करो कि वो दोबारा से आ जाए, कोई कर सकता है? कोई नहीं कर सकता ना। मगर कलयुग में इतना दुर्भाग्य की बात है कि बेवकूफ गुरु और बेवकूफ शिष्य, शिष्य भी कहता है वो हमारे गुरु भगवान है, कोई मतलब ही नहीं है उसका। कृष्ण ने वो काम करके दिखाया है जो जीव के लिए इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। 7 साल में 7 दिन के लिए गोवर्धन उठाया, वो भी बाएं हाथ की छोटी उंगली पे, कौन कर सकता है? बल्कि और कृष्णा, कृष्णा के गुरु सांदीपनि मुनि, उन्होंने कृष्णा को बोला था कि ठीक है हमें दक्षिणा चाहिए, नहीं, और दक्षिणा में तो क्या मांगा था उनसे, तो सांदीपनि मुनि के 6 पुत्र मर गए थे, तो उन्होंने कहा वापस जाके उनको मृत्यु से लेके आओ, तो उनको पता था कि कृष्णा भगवान है, तो उन्होंने कहा आप तो भगवान है आप ला सकते हैं, तो आप प्लीज लेके आइए, तो भगवान गए हम लोग उनको मृत्यु से वापस लेके आए। सो अगर कोई कहता है मैं भगवान हूं तो उससे पूछो भी ठीक है तुम मृत्यु से वापस ला सकते हो, तुम सूरज को उदय कर सकते हो रात को, तुम पहाड़ उठा सकते हो, नहीं उठा सकते, तो यू आर रॉन्ग, यू आर चीटर। इसलिए गीता पढ़ना बहुत जरूरी है। गीता नहीं पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि अब तो कलयुग में तो पता नहीं कितने सारे विष्णु है, कितने सारे कृष्ण है, कितने सारे भगवान बन गए, है नहीं, हो नहीं रहा है, तो बहुत ज्यादा चीटिंग हो रही है। सो आप इससे अच्छा कि आप चीट ना हो, आप खुद ही नॉलेज ले लो ना, खुद नॉलेज लेना बेटर है या नहीं, या कभी उसे सुन रहे हैं कभी उसे सुन रहे हैं, हमें नहीं कह रहे हमारी सुनो, हमें कह रहे हैं प्लीज ये किताब पढ़ लो, आप प्लीज पढ़ लो ये किताब, वरना आप पूरी तरह कंफ्यूज रहोगे, फिर कोई कुछ बोलेगा कुछ बोलेगा, आप कहोगे क्या बोले। सो ये कृष्ण है जो सब कुछ जन्म देते हैं। कृष्णा कौन है? ये दम धार्यते जगत, 5th श्लोक में कह रहे हैं कि मैं वो हूं जिस पे सब कुछ टिका हुआ है, सृष्टि करते हैं और मेंटेन करते हैं, मेंटेन कैसे कहेंगे, पालन करते हैं, 5th श्लोक में कह रहे हैं। और 6th श्लोक में कह रहे हैं अहम कृष्ण से जगत प्रभव प्रलय तथा, मैं वो हूं जो सबका प्रलय कर देता हूं, ये गॉड है, जनरेटर ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, क्रिएटर मेंटेनर एंड डिस्ट्रॉयर, ये गॉड है। ये क्वालिफिकेशन किसमें है? कि सिर्फ कृष्णा में है, नहीं, कृष्ण अपने पास टेंस करके दिखा दिए, मैं क्रिएटर हूं, मैं मेंटेनर हूं और मैं डिस्ट्रॉयर हूं, सिंपल। सो अब कृष्णा 7th श्लोक में, अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई भगवान कृष्णा से भी ऊपर कोई है या नहीं, कोई पूछते ना कि अगर गॉड सुप्रीम है तो गॉड को भी तो किसी ने बनाया होगा, गॉड से भी तो ऊपर कोई होंगे, भगवान से भी कोई, कृष्णा से ऊपर कोई है? सो भगवान कह रहे मत्ता परतरम न अन्यत, न अन्यत मतलब कुछ नहीं, मत्ता मतलब मुझसे, परतरम मतलब ऊपर, मुझसे ऊपर कुछ भी नहीं है, मैं सबसे टॉप मोस्ट हूं, मुझे अहम आदिरि देवा नाम महर्षि नाम च सर्वशः। कृष्णा 10वें अध्याय के 2 श्लोक में कह रहे हैं कि मैं, मुझे देवता महान ऋषि कोई भी नहीं जानता मगर मैं सबको जानता हूं, हम सब भगवान को नहीं जानते मगर भगवान हमें जानते हैं, क्योंकि भगवान कहाँ रहते हैं, कृष्णा कहाँ रहते हैं, कृष्णा दूरे च अंत के च, कृष्णा बहुत दूर रहते हैं अपने धाम में और बहुत पास रहते हैं आपके हृदय में, हम जितना समझते हैं ना भगवान पास रहते हैं उससे भी पास रहते हैं, भगवान बहुत पास है, हमारे सोचने से पहले ही सोच लेंगे क्या सोचने वाले। सो अगर आप बैठे बैठे सोच रहे हो ना लेक्चर खत्म होगा, भगवान सोच, भगवान को पता लग जाए, अभी पता लग जाएगा कि ये सोच रहा है लेक्चर कब खत्म होगा। सो ठीक है, वी हैव टू पनिश हिम नाउ, ही कैन अंडरस्टैंड, वो आपको आपसे ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। सो हम भगवान को चीट नहीं कर सकते, नहीं,
हम ये नहीं कह सकते कि हमें गीता पता है, हमें भगवान के बारे में पता है, और अल्टीमेटली कुछ क्लियर ही नहीं है आपको, तो फिर आप चीट कर रहे हो अपने आप को। तभी मैंने आपसे पूछा था कि आपको गीता पता है या नहीं पता, दैट्स वॉज माई क्वेश्चन। तो गीता पता होने का मतलब है कि गीता लॉ बुक की तरह पता होना, हर वर्स, हर अध्याय, हर श्लोक आपकी टिप्स पे होना चाहिए, टिप्स पे। यस, ओके, सेवन चैप्टर का सेवेंथ वर्स क्या है, यू शुड नो। 15 चैप्टर का 15th वर्स क्या है, यू शुड नो। 6 चैप्टर का लास्ट श्लोक क्या है, यू शुड नो। इस तरह से याद करनी चाहिए गीता। सो तभी मैं कई बार लोगों को कहता हूँ कि अपना नाम भूल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गीता भूल गए तो दोबारा से जन्मृत्यु में फंस जाओगे, यू आर अगेन इन बर्थ एंड डेथ। सो कृष्ण कह रहे हैं मुझसे ऊपर कुछ नहीं, कृष्ण कह रहे हैं रसवाम अपसु कौन थे प्रभा हसमी शशि सूर्य। कृष्ण कह रहे हैं इस संसार में जो भी कुछ है सारी चीजें मुझसे आ रही है, और सब चीजों में जो शक्ति है वो भी मुझसे आ रही है। पानी का जो स्वाद है वो मुझसे आता है, पानी का टेस्ट होता है, नहीं होता है, वैसे तो टेस्टलेस होता है, मगर फिर भी पानी का ऐसा टेस्ट होता है कि फ्रेश हो जाते हैं, है नहीं, यू कैन डिफाइन द टेस्ट बट देयर इज अ टेस्ट। कृष्णा कह रहे हैं पानी का टेस्ट मैं हूं, और सूर्य की रोशनी मैं हूं, सूर्य को शक्ति मैं दे रहा हूं। प्रणव सर्व वेदेशु, सारे वेदों में ओम मैं हूं, ओम चैंटिंग करते नहीं ओम, वो ओम भगवान का नाम है, मगर ओम भगवान का ऑफिशियल नेम है, ऑफिस का नाम होता है, नहीं होता है, कृष्णा भगवान के घर का नाम है। तभी वृंदावन में सब लोग कृष्णा को क्या बुलाते हैं, कृष्णा, ओम थोड़े ना बुलाते हैं, यशोदा माँ ओम थोड़े ना बुलाती है, कृष्णा। हाँ, वैकुंठ में ओम बोलते हैं, तो वो ऑफिशियल नेम है, हम लोग कृष्ण का घर का नाम बुलाते हैं, जैसे यहाँ पे नहीं है देवकी कृष्णा मंदिर, तो देवकी माँ क्या बुलाती है, कृष्णा बुलाती है, वो ओम थोड़े ना बुलाएंगी कभी, वो तो ऑफिस का नाम है, वो ऑफिस में चलेगा। So, इसलिए भगवान ने फिर उसके सातवें अध्याय में उसके बाद आगे चल रहे हैं, बलम बलवताम चाहम, सारे बलवानों का बल मैं हूं। So, जिसमें भी कोई भी स्ट्रेंथ है वो मैंने दी है, और बुद्धिमताम बुद्धि अस्मि, सारे बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूं, जो भी कैपेसिटी हमारे में वो भगवान ने दी है। आंख हमारी है मगर आंख देखने की शक्ति भगवान ने दी है, बुद्धि हमारी है मगर सोचने की शक्ति भगवान ने दी है। क्योंकि कई लोग कि आंख भी ठीक होती है, सब ठीक होता है, मगर अंधे होते हैं, होते नहीं होते हैं बचपन से, एवरीथिंग इज ऑल राइट बट अंधे होते हैं, भगवान शक्ति छीन लेंगे। हाथ दिया भगवान ने मगर काम करने की शक्ति भगवान ने दी है, इसलिए जब पैरालिसिस हो जाती है तो पड़ा रहता है। आप कितनी कोशिश कर लो हाथ उड़ जाए उठेगा नहीं, है नहीं, आप डिजायर कर सकते हो अगर पैरालिसिस हो जाए कि हाथ उठ जाए, मगर हाथ उठेगा, क्यों नहीं उठ रहा, यस, वरना उठ जाना चाहिए। पैरालिसिस, सारी नर्व्स भी ठीक है, ब्रेन भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, पैरालिसिस हो गई, तो सिर्फ इच्छा करने से नहीं होता काम, अगर भगवान शक्ति नहीं देंगे तो कुछ होगा ही नहीं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को पता है कि यस, मैं हर क्रिया में भगवान पे डिपेंडेंट हूं। डिपेंडेंट समझते हो, परतंत्र, अधीन हूं। मूर्ख भूल जाता है, मूर्ख सोचता है यस मैंने हाथ उठाया, ठीक है तुमने हाथ उठाया, ओके, कृष्णा कहेंगे तुमने उठाया सो मेरी शक्ति वापस करो, पैरालिसिस फिनिश। वो वर्ल्ड का बॉक्सर नहीं था, वो कौन था, मोहम्मद अली, वो सोचता था कि मैं लड़ रहा हूं, और फिर एंड में क्या हो गया उसको, किसी को पता एंड में क्या हुआ, पार्किंसोनिज्म, वो उसका हाथ ही नहीं हिल रहा है, कुछ भी नहीं कर पाया, भगवान ने शक्ति छीन ली, ठीक है, गिव मी द पावर। सो इसको कहते हैं अहंकार। अहंकार मतलब ये नहीं होता कि बड़ी बड़ी मूछें और गंदे काम करना, नहीं, सब अहंकार ही है जो काम करते हुए भूल जाते हैं कि एक्चुअली भगवान की शक्ति इस पे मैं अधीन हूं, वो सब अहंकार ही है, फिनिश। सो एवरीबॉडी, जिसको भगवान की नॉलेज ही नहीं है वो अहंकार ही है, मगर जो डिवोटी जब खाना खाता है तो उसको याद रहता है कि जब मैं खाना खा रहा हूं, खाना तो मैं खा रहा हूं, मगर पचा कौन रहा है, पचामि अन्न अन्न विधम अहम वैष्णवराम, ओ सॉरी, वैष्णवरो
ये क्या है, कैसे है वो, कि पेट की अग्नि मैं हूं। कृष्णा कह रहे मैं पचाने वाला हूं, पचामी अन्नम अन्नम अहम। सो एक डिवोट, कितना फर्क हो गया नहीं, एक ऑर्डिनरी आदमी जो भगवान को नहीं जानता और जो भगवान को जानता है उसमें बहुत डिफरेंस है। जो ऑर्डिनरी आदमी भगवान को नहीं जानता वो कुछ भी बोलता है, कुछ भी सोचता है, और वो सोच रहा है कि मैं कर रहा हूं। मगर डिवोटी जब बोल रहा है उसको पता है मैं बोल मैं रहा हूं, इच्छा मैं कर रहा हूं, मगर शक्ति भगवान दे रहे हैं। हर सेकंड उसको भगवान के बारे में याद है। एक नॉन डिवोटी, एक जो गीता का स्टूडेंट नहीं है, जो भगवान का नाम नहीं ले रहा, जो साधुओं का संग नहीं कर रहा, उसके लिए भगवान का स्मरण करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एक डिवोटी के लिए जो गीता का स्टूडेंट है, जो भगवान का नाम ले रहा है, जो साधुओं का संग कर रहा है, उसके लिए भगवान को भूलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हर चीज में तो भगवान हेल्प कर रहे हैं हमारी, नहीं अब मैं बोल रहा हूं तो कृष्णा हेल्प कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कृष्णा हमारे अंदर ही बैठे हैं। इसको कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस। इस्कॉन, इस्कॉन पता है ना हम लोग इस्कॉन से, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियस, इसको कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्णा भावना। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे स्पिरिचुअलिटी, गीता के स्टूडेंट बनोगे, तो 24 घंटे वो भावना बनी रहेगी। जैसे एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बारे में सोचता रहता है 24 घंटे, उसके माइंड में घूमते रहेगा, ऐसे ही भगवान के मन, डिवोटी के मन में भगवान रहते हैं। सो कृष्णा उसके बाद इस अध्याय में अपने बारे में बता रहे हैं सारी चीजें, और फिर कृष्णा कह रहे हैं, मगर आप कहोगे कृष्णा भाई ये तो बहुत मुश्किल है आपके बारे में याद रखना, हम तो भूल जाते हैं। सो कृष्णा कह रहे हैं यस तुम भूल जाओगे, मगर देवी है शोगनमाई मम माया दुरत्यया, मेरे को याद करना बहुत मुश्किल है, मगर जो मेरी शरण लेता है उसको मैं याद रहता हूं। शरण लेने का मतलब कि भगवान की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना। सो गीता में भगवान ने इंस्ट्रक्शंस दिए, ऐसा करो ऐसा मत करो, अगर आप गलत काम करोगे तो भूल जाओगे भगवान को, और भगवान के दिखाए रास्ते पर चलोगे तो भगवान याद रहेंगे। सो भगवान ने अपने बारे में बता दिया। अब कृष्णा बता रहे हैं सात तरह के लोग, मैंने बताया था 7 chapter 7 types of people। अब क्लियर हो गया कृष्णा भगवान है, क्लियर हो गया, और कोई भगवान नहीं, कोई इंसान भगवान नहीं है, कोई देवता भगवान नहीं है, कोई गंधर्व भगवान नहीं है, कोई किन्नर भगवान नहीं है, शिव जी वायु अग्नि बिल्ली भगवान नहीं है। नो गॉड, दिस योर डैट, सो कोई भी भगवान नहीं है, सिर्फ भगवान कौन है, सुनाई नहीं दे रहा, कृष्णा, कृष्णा भगवान है। एटलीस्ट सारे वेदों के अनुसार तो ऐसा ही है, देखो शास्त्र के अनुसार तो ऐसा ही है। तो अब सात तरह के लोग हैं, कुछ लोग भगवान को नहीं जानते, 7 categories of people, मैंने बताया था 7 category में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट कैटेगरी भगवान बता रहे हैं ऐसे ऐसे टाइप के लोग हैं जो मेरे पास कभी नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। वो कौन से लोग हैं, चार तरह के लोग हैं वो। फर्स्ट कैटेगरी में 4 types of people है। कृष्णा कह रहे हैं 15th verse में, नमाम दुष्ण तो मूढ़ा प्रपदंते नराधमा मायापृत ज्ञान आसुरम भवमाश्रित। चार तरह के लोग भगवान के पास कभी नहीं आएंगे। कौन, मूढ़ा, मूढ़ा मतलब मूर्ख, मतलब क्या होता है भगवान बता रहे हैं। वैसे तो कल मैंने बहुत चर्चा की थी, बट मूर्ख मतलब होता है, मूर्ख मतलब भोगी, मूर्ख मतलब कि जिसकी लाइफ का एम क्या है, सिर्फ एंजॉय करना, मूर्ख हो गया ना वो, खाना पीना सोना बीच पे घूमना शराब पीना, गोवा तो यही है, वो मूर्ख है। क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो बुद्धि इस्तेमाल करता है, और मनुष्य की बुद्धि, भगवान ने बुद्धि क्यों दी मनुष्य को, सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछने के लिए, क्या, हु इज गॉड, दैट्स द मेन क्वेश्चन यू शुड आस्क। तो इसलिए मूर्ख भगवान के पास नहीं आते, क्योंकि मूर्ख पता क्या होता है, मूर्ख सोचते हैं कि मैं बुद्धिमान हूं, है नहीं। आप जाओ किसी को बोलो कि तुम मूर्ख हो, कहेगा मैं मूर्ख हूं, तू मूर्ख है, लड़ाई हो जाएगी, कहेगा तूने मुझे मूर्ख कैसे कहा, तो आप कहोगे तुझे गीता नहीं आती, कहेगा तुझे मारूंगा मैं, गीता कैसे ना, तूने मूर्ख कैसे कहा। नहीं, मूर्ख सोचता है कि मैं बुद्धिमान हूं, इसलिए उसको गुस्सा आता है। अगर आप बुद्धिमान व्यक्ति को कहो तू मूर्ख है, तो वो क्या करेगा, बुद्धिमान व्यक्ति को कहो मूर्ख है तो वो गुस्सा नहीं होगा, वो कहेगा हाँ मैं मूर्ख हूं,
मुझे उपदेश करो, मुझे सिखाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीखने को तो बहुत कुछ है, कोई मुझे सब कुछ थोड़ा ना आता है। सो मूर्ख नहीं आएंगे भगवान के पास। नराधम, नराधम मतलब नरा मतलब नरों में अधम। सो प्रभुपाल लिख रहे हैं कि मनुष्यों, अधम का अर्थ है नीच, जो मनुष्यों में नीच होते हैं उसको नराधम कहते हैं। अब नीच कौन है? नीच वो है, नराधम वो है जो ठीक है, नराधम वो है जो व्यक्ति सुनकर भी मानता नहीं। मात भगवान कह रहे हैं वो नराधम है, वो मेरे पास नहीं आ सकता। नहीं, हजार प्रोग्राम में जा रहे हैं मगर एक्सक्यूज क्या दे रहे हैं? टाइम नहीं है। उसको भगवान कह रहे हैं नराधम, सबसे लोएस्ट ऑफ मैनकाइंड, सबसे नीच है, क्योंकि उसको नॉलेज भी मिल रही है, साधु संग भी मिल रहा है, और वो एक्सक्यूज दे रहा है टाइम नहीं है। वेल, टाइम नहीं है, यानी सेवा पढ़ने का टाइम है, टीवी देखने का टाइम है, और 10 मिनट गीता पढ़ने का टाइम नहीं है। सो ऐसे लोग एक्सक्यूजेस दे देकर ना भगवान के पास नहीं आते। सो दूसरे टाइप, दूसरे कैटेगरी इस फर्स्ट कैटेगरी, दूसरे टाइप का मैं प्रत्यज्ञाना, कृष्णा कह रहे तीसरे टाइप का पीपल है फर्स्ट कैटेगरी में, जिसकी 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 बुद्धि माया ने हर ली है। जैसे साइंटिस्ट, साइंटिस्ट मानेंगे नहीं भगवान है, नहीं वो मानने को तैयार नहीं है। वो ये जरूर कह सकते हैं कि संसार कहां से आया? बिग बैंग से। बिग बैंग सुना है? एक धमाके से आया। अब धमाके से कुछ आता है? अगर कहीं बम फोड़ेगा तो क्या होगा? तो बिल्डिंग बनेगी? जब बिल्डिंग नहीं बनती बम फूटने से, तो संसार कैसे बन गया इतना सुंदर? अब वो अपने उल्टी फुल्टी थ्योरीज लगा के, मगर ये मानने को तैयार नहीं कि गॉड गॉड है। सिंपल है, गॉड है, कोई बड़ी बात थोड़ा ना है। सो उनकी बुद्धि माया ने हर ली है, अपने लॉजिक्स लगा लगा के वो उसमें फंस गए। और चौथा है असुर। असुर कौन होते हैं? असुर वो होते हैं जो भगवान को मारना चाहते हैं। नास्तिक मतलब सीरियसली नास्तिक, जैसे हिरण्यकशिपु, रावण, या अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप में जाओ, कई ऑर्गेनाइजेशंस बनी है, एथिस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस, तो तुले पड़े हैं प्रूफ करने के लिए भगवान नहीं है, सब बकवास है। सो ये असुर है, ये लोग भगवान के पास नहीं आएंगे। ये फर्स्ट कैटेगरी ऑफ लोग हैं, सेवन कैटेगरी में फर्स्ट कैटेगरी है जो भगवान के पास कभी भी नहीं आते। फर्स्ट कैटेगरी में चार टाइप के लोग हैं। क्लियर हो गया? नहीं हो गया? ओके। सो मोस्टली संसार में लोग मूड है, भोगी है, नहीं है मूड, लाइफ का एम ही नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, सुनते भी नहीं, बुद्धिमान समझते हैं, वो आते नहीं है। ओके, दूसरे तरह, दूसरी कैटेगरी ऑफ पीपल क्या है? कृष्ण कह रहे कि दूसरी कैटेगरी ऑफ पीपल है जो मेरे पास आते हैं, कुछ नहीं आते, कुछ आते हैं। तो दूसरी कैटेगरी में भी चार तरह के लोग हैं जो भगवान के पास आते हैं। कौन कौन से लोग हैं? चतुर्विधा भजन्ते माम ये जना पर उपासते, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। तो कौन कौन आता है भगवान के पास? आर्तो मतलब डिस्ट्रेस, दुखी, दुखी व्यक्ति आते हैं ना भगवान के पास जब प्रॉब्लम आती है। हे भगवान, जब सुखी होते हैं हमें कोई जरूरत नहीं है, जब प्रॉब्लम है भगवान मेरे सुखी ठीक है, टाइम नहीं है, ऐसे चलता है। सो दुखी। जिज्ञासु आते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, नहीं हाँ प्रोग्राम में क्या हो रहा है, चलो देखते हैं कैसे चल रहा है, क्या क्या है। अर्थार्थी पैसे के लिए भगवान के पास आते हैं। तिरुपति बालाजी बिजनेस करते हैं बालाजी के साथ पैसे के लिए। और ज्ञानी, ज्ञानी मतलब भगवान को समझने के लिए। सो ये दूसरी कैटेगरी के लोग हैं जो भगवान के पास आते हैं, जिनमें थोड़ी आस्था होती है। सो दो कैटेगरी आ गई, नहीं आ गई? सो इसमें तो इंडिया में ऐसे 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 कुछ लोग होते हैं जो भगवान के पास दुख में आते हैं, पैसे के लिए आते हैं, ये इसलिए आते हैं ना लोग, या भगवान हमें कुछ सुख दे दो, इन छोटी छोटी चीजों के लिए भगवान के पास आते हैं, मगर भगवान को जानने के लिए नहीं आते। ये दूसरी कैटेगरी। और फिर उसके बाद तीसरी कैटेगरी ऑफ पीपल कौन है? कृष्णा कह रहे हैं कुछ लोग हैं जो भगवान के पास नहीं आते, देवी देवताओं के पास जाते हैं। कुछ तो अपनी अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए भगवान के पास आ जाते हैं, कुछ इच्छाएं पूरी करने के लिए कृष्ण को छोड़ के देवी देवताओं के पास चले जाते हैं। वैष्णो देवी, वैष्णो देवी पता है नॉर्थ में, चलो बुलावा है, माता ने बुलाया है, जाते हैं वो, हमें धन धनम देही जन्म देही,
सो त्रिपुरा सुंदरी, त्रिपुरा वहाँ पे जाते हैं, दुर्गा देवी इनके पास जाते हैं कि हमें मोक्ष दीजिए, हमें धन दीजिए, हमें पूजा दीजिए, हमें प्रतिष्ठा दीजिए। सो तीसरी कैटेगरी के लोग जो भगवान को छोड़ के देवी देवताओं के पास जाते हैं। कृष्णा कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो देवी देवताओं के पास जाते हैं, देवी देवता जो उनको देते हैं वो एक्चुअली वो नहीं दे रहे, वो मैं ही दे रहा हूं। यो यो याम तनुम भक्ता श्रद्धा अर्चितम अच्छति, मैं देवी देवताओं के हृदय में बैठा हूं और जब वो ब्लेसिंग्स देते हैं वो ब्लेसिंग्स उनसे नहीं मिल रही, वो कृष्णा से ही मिल रही है। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं उनके पास आने से अच्छा मेरे पास आ जाना सीधा, मैं तुम्हारे लिए बेस्ट करूंगा, इधर उधर क्यों भटक रहे। सो कौन सी कैटेगरी हो गई? तीसरी देवताओं के पास आते हैं, ठीक है। चौथी कैटेगरी है जो भगवान को निराकार मानते हैं, ऐसे लोग हैं नहीं, अव्यक्तम एकतिमापन्नम, कहेंगे देखो कृष्णा भगवान है मगर कृष्णा का कोई रूप नहीं है, आकार नहीं है, निराकार है, या कृष्णा दुर्गा शिव सब एक ही है और सब निराकार है, ऐसा भी मानते हैं ना लोग। तो भगवान है फोर्थ कैटेगरी के लोग बोल रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं इनके बारे में? अव्यक्तम एकतिमापन्नम, अव्यक्तम, अव्यक्तम मतलब निराकार, अव्यक्त जो दिखाई नहीं देता, व्यक्तम आपन्नम, लोग समझते हैं कि अल्टीमेटली भगवान निराकार है, उस निराकार ने आकार ले लिया कृष्ण के रूप में। सुना है फिलॉसफी, सुनिए, ऐसा कुछ लोग बोलेंगे। कृष्णा कह रहे मन्नते माम अबुद्धया, मेरे हिसाब से वो लोग अल्प ज्ञानी है, फोर्थ कैटेगरी के लोग अल्प ज्ञानी है। परम भावम अजानंतो मम भूतमेश्वरम, वो मुझे नहीं जानते, उन्होंने अपनी थ्योरी बना रखी है मैं निराकार हूं मगर वो गलत है, फोर्थ कैटेगरी। भगवान ने सब लोगों के बारे में बोल दिया, देख रहे हो सब, सेवन चैप्टर, इट्स सो नाइस। फिफ्थ कैटेगरी भगवान बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं उन लोगों के बारे में यहां पर, ये रहा कृष्णा बोल रहे हैं उन लोगों के बारे में जो कि बहुत सारे, जो कि पृथक्वेना बहुत्वेना, फिफ्थ कैटेगरी के लोग हैं जो कि बहुत सारे भगवानों की पूजा करते हैं, ऐसा होता है नहीं होता है, सबको भगवान मानते हैं हिंदू समाज में तो ऐसा ही है, ये भी भगवान वो भी भगवान, ये भी भगवान वो भी भगवान, वो भी भगवान मैं भी भगवान, सभी भगवान, ओम। चलो भाई भगवान मर गए एक दिन, नहीं मैं भगवान हूं तो मर गए, दैट्स अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन। सो भगवान कह रहे हैं ऐसे लोग जो सबको भगवान मानते हैं वो लोग असुर होते हैं, उनको क्लियर ही नहीं है। पाषंडेन उच्चते, पद्म पुराण में लिखा है, तो सबको भगवान मानते हैं वो पाषंडी लोग हैं, दे आर नॉट इंटेलिजेंट, दे आर एथिस्टिक, नास्तिक लोग हैं, उनको कुछ क्लियर ही नहीं है, उन्होंने नॉलेज नहीं ली ना, क्योंकि भगवान तो एक ही होगा ना, इज इट, भगवान एक ही तो होगा, हजार भगवान थोड़े ना होंगे, भगवान की डेफिनेशन ही जो सुप्रीम है। इसलिए जब मैं स्कूल में था तो मैं नास्तिक बन गया था, क्योंकि मैंने देखा भी मैं दादी नानी सब सबकी पूजा करते जा रहे हैं, मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल इलॉजिकल है, इतने सारे थोड़े ना भगवान हो सकते हैं। इसलिए आजकल के यूथ्स जो हैं, मंदिर कहाँ आ रहे, मंदिर खाली पड़े नहीं पड़े, अभी हम देवी कृष्णा मंदिर में थे, चैंटिंग कर रहे थे, एक भी यूथ नहीं था, चार बूढ़े लोग बैठे थे, वो गा रहे अपना भंग, अच्छा है बट मंदिर खाली है, क्यों यूथ्स नहीं आ रहे? क्योंकि बिल्कुल इलॉजिकल है, हजार भगवान हो ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। इसीलिए हिंदू हमारे यहाँ पे समाज में क्रिश्चियनिटी फैल रही है, पता है ना, क्रिश्चियन कन्वर्जन हो रही है, क्रिश्चियन ये तो बोलते हैं देखो तुम्हारे हजार भगवान है हमारे एक ही भगवान है, तो अभी हजार भगवान होते हैं तो कहेंगे हाँ नहीं होते, ठीक है हमारी बात मानो, तो हम खुद ही बेवकूफ हो चुके हैं, बिना पढ़े बिना कोई नॉलेज लिए हम लोग कैसे कोई कंक्लूजन में आ सकते हैं। नहीं अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि ठीक है शेक्सपियर की किताब, शेक्सपियर का 20th चैप्टर का नाम क्या है, कोई बता सकता है? शेक्सपियर पता है ना सबको, यस या नो? तो शेक्सपियर का 20th चैप्टर कौन सा है, कोई बता सकता है नाम क्या? चलो छोड़ो शेक्सपियर की, वाल्मीकि रामायण का 20th अध्याय का नाम क्या है?
नहीं बताना? अगर आपको नहीं नहीं मुझे पता है, वाल्मीकि रामायण के 20वें अध्याय का नाम है जो भी व्हाटएवर अस्ति नास्ति, जो भी कुछ भी अपने मन से बोल दो, रॉन्ग हो गया ना, बिना बड़े आंसर नहीं दे सकते ना। मगर जब भगवान का कॉन्सेप्ट आता है हमें पता है। नहीं, प्रभुपाद ने अपने लेक्चर में बोला था एक बार कि अगर इंडिया में आप किसी से पूछो ना सड़क पर चलते आदमी से, तुम्हें मैथ्स आती है? मैं कहा नहीं आता। इंग्लिश आती है? नहीं आती। लॉ आता है? नहीं आती है। भगवान के बारे में कुछ बोलो, हाँ भाई आजा चाय पीते हैं, एक घंटा लेक्चर पे ला देगा भगवान के बारे में, भगवान तो ये है, भगवान वो है, ये है वो है। ओ भैया उसको क्या पता जब उसने कुछ स्टडी नहीं की, ये प्रॉब्लम है। सो इसीलिए आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज रीड दिस गीता। तो फिफ्थ टाइप के लोग हैं जो सबको भगवान मानते हैं, और सबको भगवान मानने के कारण भगवान कह रहे हैं वो पाषंडी लोग हैं, वो लोग बिना नॉलेज के क्लेम कर रहे हैं मुझे पता है नहीं? बिना नॉलेज के क्लेम करना आपको पता है दैट्स अ वर्स्ट थिंग यू कैन डू, क्योंकि खुद कंफ्यूज हो रहे हो दूसरों को कंफ्यूज कर रहे हो। अब ये कहो नहीं पता वो बात तो फिर भी अच्छी है, अब एक मुझे पता है और हजार लोगों को लेक्चर पे ला रहे हो, आप खुद तो नरक में जा रहे हो दूसरों को भी नरक में भेज रहे हो। आई हैव टू आस्क हिम टू स्टॉप। ओके, फिफ्थ कैटेगरी हो गई, नहीं हो गई? सिक्स्थ कैटेगरी क्या है? सिक्स्थ कैटेगरी कृष्णा बता रहे हैं सातवें अध्याय में, जरा मरण मोक्षाय मम आश्रितंतती है। सिक्स्थ कैटेगरी कृष्णा कह रहे हैं कुछ लोग होते हैं जो जन्म मृत्यु से मुक्ति के लिए मेरा आश्रय लेते हैं, मोक्ष के लिए। सिक्स्थ कैटेगरी, कुछ लोग भगवान के पास इच्छाओं के लिए नहीं जाते, धन के लिए नहीं जाते, मगर मोक्ष जन्म मृत्यु से मुक्ति के लिए जाते हैं। सिक्स्थ कैटेगरी कृष्णा कह रहे हैं वो अच्छे होते हैं मगर वो परफेक्ट नहीं है, क्योंकि वो अभी भी मुझसे कुछ मांग रहे हैं। नहीं, बिजनेस हो रहा है ना, कुछ मांगना भगवान से वो तो बिजनेस हो गया। भगवान मैं आपकी सेवा कर रहा हूं, आप मुझे मोक्ष दीजिए, तो वो लव नहीं है, शुद्ध प्रेम नहीं है। और सेवेंथ कैटेगरी के आदमी 30th श्लोक में प्योर डिवोटी, शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्त कौन है? कौन है? कृष्णा कह रहे हैं साधिभूतम अधिदैव मां साधि यज्ञम चय विदु। सेवेंथ कैटेगरी का व्यक्ति प्योर डिवोटी है, शुद्ध भक्त है। कौन? जो भगवान कृष्ण, जो जिसको पता है कृष्णा भगवान है और कोई भगवान नहीं है, जिसको गीता की पूरी नॉलेज है, जो भगवान की भक्ति करता है और अपना मन भगवान में आसक्त करता है, भगवान के पास केवल भगवान के लिए जाता है, कुछ मांगने नहीं जाता, सेवा के लिए जाता है, और जिसको हर क्षण कृष्णा का स्मरण रहता है, कुछ ऐसा काम नहीं करता कि जिससे भगवान को भूल जाए, हर वो काम करता है कि जिससे भगवान का स्मरण होता रहे, अच्छी कंपनी रखता है, सत्संग में रहता है, गलत संग छोड़ता है, सत विचार रखता है कुविचार छोड़ देता है, सत व्यवहार होता है कुव्यवहार त्याग देता है, और भगवत गीता की नॉलेज लेता है, वो प्योर डिवोटी है। और भगवान कह रहे हैं ऐसा भक्त मेरे मन में रहता है और मैं हमेशा उसके मन में रहता हूं, ऐसे भक्त का कभी भी नाश नहीं होता, वो सदैव खुश संतुष्ट और शांत रहेगा। नास्ति बुद्धिरेवतस्य न शांतस्य भावना न अभाव्यत शांति अशांतस्य कुतः सुखम्। कृष्णा कह रहे हैं जिसकी बुद्धि मुझसे नहीं जुड़ी, इस शुद्ध प्रेम से शुद्ध भक्त की तरह, वो उसकी भावना भी मुझसे नहीं जुड़ेगी, उसकी भावना मुझसे नहीं जुड़ी उसकी इच्छाएं खत्म नहीं होंगी, क्योंकि भावना संसार से जुड़ी है ना, इसकी इच्छाएं खत्म नहीं होंगी वो कभी भी संतुष्ट नहीं होगा। जो संतुष्टि नहीं हुआ वो शांत कैसे हो सकता है, और जहां शांति नहीं है वहां पे सुख कैसे हो सकता है, इसलिए सभी परेशान है। सो माय रिक्वेस्ट इज, ये मैंने आपको सिर्फ 7 चैप्टर बताया गीता का, आप देख रहे हो कितनी अच्छी नॉलेज है। सो गीता में सिर्फ ये नहीं लिखा कर्म करो फल की चिंता मत करो, ये तो क्या छोटी सी बात है क्या। सो गीता का 7 चैप्टर में इतना सब कुछ है, अगर आपने पूरी गीता पढ़ ली यू कैन इमेजिन आपको कितना कुछ आ जाएगा। नहीं, सो हम लोग गीता लेके आए हैं, लाए गीता, ये भी है गीता, एक हिंदी की और भी गीता है, आप प्लीज गीता ले लीजिए, रोज उठ के गीता पढ़िए। और वो पढ़ने का तरीका है, उसका एक ट्रिक है पढ़ने की, कि आप सुबह उठ के
और मेरी बुक्स कहाँ पे? कैन यू से माय बुक्स मेरी बुक्स? यस। सो सुबह उठ के आप गीता पढ़ सकते हैं, ये गीता लाए हम, ये तो इसमें मराठी में जशी आहे तशी, मराठी है, मराठी है, एक हिंदी की कॉपी, और किसी को हिंदी कॉपी चाहिए, अगर हिंदी की चाहिए तो हम लिखवा दें, हम आपको दे देंगे इनके पास। तो टेक्निक ये है कि सुबह उठ के आप बिना नहाए पढ़ लो, नहाना मत, अगर आप नहाओगे तो कभी नहीं पढ़ सकते। सो गीता को पढ़ने में नहाने का रूल नहीं है, साउथ इंडिया में थोड़ा ज्यादा ही है नहीं, नहाना है, ये करना है, वो करना है, अगरबत्ती जलानी है, ये करना है, वो करना है, उसी में ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, असली काम करते ही नहीं। वो यहाँ पे थोड़ा ड्रामा ज्यादा है, ड्रामा नहीं है ठीक है, मगर ड्रामे के चक्कर में मेन काम होता ही नहीं। सो कर सकते हो आप, कोई खराबी नहीं है, बहुत अच्छा है, इट्स वेरी नाइस, बट आइडिया इज टू रीड। तो बेस्ट ये है क्योंकि हाउस होल्ड लाइफ बहुत बिजी होती है ना, तो वेदों को पढ़ने के लिए नियम होते हैं, वेद पढ़ने के लिए नियम है। सूची मूची, मूची समझते हो ना, सूची मूची मतलब प्योर, प्योरिटी इम्प्योरिटी, नहाना नहीं नहाना। फिर वेदों को पढ़ने के लिए अंगन्यास करन्यास बहुत कुछ करना पड़ता है, मगर गीता किसका भाग है? महाभारत सुना है ना, इतिहास, इतिहास और पुराण को पढ़ने के लिए कोई भी नियम नहीं होते, ये वेदों में ही लिखा है। इसलिए इसको आप अपने बेडरूम में रखो, पहले तो पूजा रूम में मत रखना, पूजा रूम में रखोगे कभी नहीं पढ़ोगे, बस पूजा ही करते रहोगे, पढ़ोगे नहीं। कृष्णा कह रहे हैं कि गीता पढ़ना ही मेरी पूजा है, दैट्स आइडिया। सो इसलिए आप पढ़िए और सुबह अपने बेडरूम में रखिए, जैसे आंख खुले सबसे पहले गीता ले लीजिए, बेड पे बेडरूम में पढ़िए ना, वही मुंह हाथ धो के, या वो भी नहीं जरूरत है, गीता उठा के बस उठ के पहले पहले दर्शन गीता के होने चाहिए, नहीं ऐसी गंदी चीजें देखने से अच्छा न्यूज़पेपर, उस न्यूज़पेपर में क्या वायलेंस सेक्स यही तो है, न्यूज़पेपर आजकल यही गंदी गंदा है बिल्कुल, तो वो देखने से अच्छा गंदी गंदी चीजें, इधर उधर की चीजें खा पी के, पहले डे अच्छे अच्छा स्टार्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जमीन पे पैर रखने से पहले गीता के दर्शन होने चाहिए, दैट्स आइडिया। क्योंकि पृथ्वी देवी किसकी वाइफ है पता है? कृष्णा की, नहीं सत्यभामा, और मंत्र भी होता है पृथ्वी का पता है, पैर रखने से पहले पृथ्वी पे मंत्र बोला जाता है, किसी को पता है? क्विज है, क्या मंत्र है? ऐसे नहीं उठ जाते हम, हे हिपे फुर्रे कूद के चले गए, वो तो जंगली लोग हैं। वी हैव एक शास्त्र में सब मंत्र है कि भगवान का ध्यान रहे, सो एक मंत्र है समुद्र एक हेला पृथ्वी पर्वत तन मंडले, उसके बाद पता है किसी को क्या है? विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम शमस्व, उनको पता है कि विष्णु पत्नी को मैं नमस्कार करता हूं अपना पैर रखने से पहले, मतलब इस अर्थ को कंट्रोल करने वाले एक डीटी है, ऐसा नहीं कि अर्थ एक फीमेल है, अर्थ तो अर्थ ही है, आयरन स्टोन है, मगर इस अर्थ का जो डीटी है जो कंट्रोल करती है इस अर्थ को, वो विष्णु की पत्नी लक्ष्मी है उनकी। तो जैसे गैंजेस है गंगा देवी, गंगा देवी है नहीं, तो उस गंगा रिवर की भी एक डीटी है कंट्रोल करने वाली गंगा देवी। तो भगवान विष्णु की पत्नी पे पैर रखने से पहले आपको भगवान विष्णु के बारे में पढ़ना है, नहीं भगवान विष्णु को अपने मन में लाना है, नहीं विष्णु मतलब कृष्णा, तो उसके लिए गीता पढ़ो। तो आप बेड पे रखो, सुबह सुबह उठ के इसका एक श्लोक पढ़ो, एक श्लोक समझते हो आप लोग? एक श्लोक मतलब एक संस्कृत में, संस्कृत का श्लोक उसका मतलब वर्ड टू वर्ड मीनिंग, फिर उसका अनुवाद और उसका तात्पर्य। जो अब आप आपके पास गीता होगी, मगर जो आपके पास गीता है उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है, छोटी छोटी गीता नहीं होती, उससे आपको समझ ही नहीं आएगा। अब सातवां चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन किया, सात तरह के कैटेगरीज ऑफ पीपल हैं, वो आपको बिना एक्सप्लेनेशन के पता नहीं लगा क्या चल रहा है, फिर लोग कहते हैं गीता समझ नहीं आती। सो आपके पास गीता अगर और इस्कॉन की नहीं है तो ये ले लीजिए प्लीज, इसमें आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी, और किसी के पास है तो एक और ले लो, दो है तो तीन ले लो, तीन है तो चार ले लो, पूरे घर गीता से भर दो, होना नहीं घर ऐसा होता नहीं, हमारी अलमारी साड़ियों से पैंट से भरी होती, गीता से क्यों नहीं भरी होती, इतने कपड़े पहन के क्या करोगे, कपड़े सब छूट जाएंगे मरते वक्त, तो सिर्फ आपको 2 फीट का कपड़ा चाहिए, 6 फीट का और क्या चाहिए, मगर मरने के बाद सब छूट जाएगा, मगर ये गीता आपके साथ जाएगी, ये नॉलेज विल टेक यू समवेयर।
सो कीप दिस बुक विद यू। सो ये एक गीता है, आप ले सकते हैं हमसे। और कुछ मैंने भी बुक्स लिखी हैं। ये गुरु कौन है, गुरु क्या है, शिष्य असली गुरु कौन है, मैं बता रहा था भी गुरु कौन है। कोई गुरु अपने आप को भगवान नहीं बोल सकता। और गुरु के लक्षण क्या है, असली शिष्य कौन है, शिष्य के कर्तव्य क्या है। ऐसा नहीं है कि मैंने उसको गुरु मान लिया, गुरु ने आपको शिष्य मान लिया, दीक्षा हो गई, 20 साल से मिले ही नहीं गुरु से, हमारी दीक्षा हो गई, उसका कोई मतलब नहीं है। गुरु मतलब टीचर, जो नॉलेज दे, है नहीं, उससे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। आप भी तो टीचर हो, तो फिर ट्यूशन होती है, बच्चे क्वेश्चन पूछते नहीं पूछते, तो एक तरह से आप गुरु हो गए। अगर आप ट्यूशन क्लास खोलो, बच्चों के आंसर ही ना करो, हाँ वो बच्चा कहेगा सर हमें पढ़ा दीजिए, बेटे आशीर्वाद है पास हो जाओगे, तो आपकी ट्यूशन ही मत हो जाएगी, है नहीं। यू हैव टू आंसर देम, यू हैव टू हेल्प देम, यू आर गुड टीचर देन, इज इट। सो ऐसे गुरु मतलब जो टीचर है, जो हेल्प करता है स्टूडेंट्स की, उनके डाउट्स कंप्लीट करता है, उनको इंस्पिरेशन देता है, पढ़ो। कभी वो लेजी होंगे, मन नहीं करता ना हमारा करने का, तुम्हारे पीछे पड़ा रहेगा, क्यों नहीं कर रहे अभी, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे, एग्जाम की लाइफ में फेल हो जाओगे। सो ये इस बुक में, गीता सार के तलवार में सारी गीता की भ्रांतियां हैं। सो गीता के बारे में हमने कुछ सब कुछ उल्टा फुल्टा सोचा हुआ है, वो लिखा नहीं होता, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा है, सुना है, वो सब गलत है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, वो भी गलत है, सब कुछ गलत लिखा है। सो वो क्यों गलत है, वो मैंने सब इसमें बताया है। ये हमारे कर्म ही पूजा है, ये भी आइडिया गलत है। तो सारे आइडियाज गीता में कहाँ बताए, इसके भगवान ही आंसर कर रहे हैं, तो भगवान के आंसर लिखे मैंने इस गीता सार की तलवार, तभी मैंने तलवार नाम रखा है। इट कट्स योर मिसकंसेप्शंस एंड देन दिस इज वन बुक, पागलपंथी। पागलपंथी मतलब पता ही आपको, पागलपंथी मतलब पागलपंथी मतलब इस आइडिया, इस संसार में बहुत सारे स्टूपिड आइडियाज हैं लोगों के, जैसे मैं भगवान हूँ, आत्मी परमात्मा है, ध्यान लगाओ और लीन हो जाओ, थोड़ा योग थोड़ा भोग, नहीं, सो मेनी आइडियाज। सारे आइडियाज जो हमारे माइंड में घुसे पड़े हैं, बहुत सारे भगवान हैं, या धर्म, धर्म गीता पढ़ने से, धर्म पालन करने से सब कुछ छूट जाएगा, होते नहीं आइडियाज हमारे माइंड में। सो ये सारे आइडियाज गलत हैं। तो ये आइडियाज मैंने इसमें लिखे हैं, और उसके आंसर गीता से लिखे हैं, और शास्त्रों से, वेदों से, पुराणों से। आप ये सब नहीं पढ़ सकते, तो सारे वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, वो सब पढ़ के मैंने उस सारे से प्रमाण निकाल के इस किताब में लिखा हुआ है उसको। तो आप अगर ये पढ़ोगे तो आपको नॉलेज हो जाएगी, अगर पूछेगा तो बता सकते हो कि ठीक है, पद्म पुराण में ऐसा दिया है, वायु पुराण में ऐसा दिया है, ऋग्वेद में ऐसा दिया है, उपनिषद में ऐसा दिया है। वो एक जगह कर दिया ना, आप कहाँ कहाँ ढूंढते रहोगे सब चीज़ों को। सो दैट्स वन बुक, दीज आर टू इंग्लिश बुक्स यू कैन रीड। क्रेजी आइडियाज का है, क्रेजी आइडियाज भी होगी। Cheater than the cheated, society of cheaters and the cheated, politicians, media, philosophers, lawyers, advertisements, everybody is a cheater. And the biggest cheater is we ourselves. We are cheating ourselves. We are cheating our lives by not trying to understand God. So, इस किताब में सब कुछ explained है. This is crazy ideas. वही पागलपंती इंग्लिश में, एंड दिस इज फॉर डिवोटीज, माइटी एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड गॉड, वी हैव टू पुट एफर्ट्स, नो गेन विदाउट पेन। थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। सो मेहनत कैसे हम एडवांस करें स्पिरिचुअल लाइफ में, ऐसे ही बस थोड़ी पूजा हो रही है, चलता जा रहा है लाइफ। हमारा एम है भगवान को जानना, जब तक भगवान को हम नहीं देख लेंगे फेस टू फेस, तब तक हम प्रैक्टिस करेंगे स्पिरिचुअलिटी। हमें फेस टू फेस देखना है भगवान को, हमारा एम ये है, हमें मिलना है उनसे। हम मिल सकते हैं, वो क्यों नहीं मिल सकते, इतने डिवोटीज को मिले नहीं। तुकाराम गा नहीं रहे देव की, वहाँ पे भंगा गा रहे थे अभी, भगवान खुद ही मिलना है उनसे। वो तुकाराम तो अभी की बात है, 300 years back, दैट्स ऑल। हम भी मिल सकते हैं। सो हाउ टू मीट हिम, इस बुक में साइंटिफिकली बताया है कि स्टेजेस क्या होती हैं जब स्पिरिचुअलिटी में आप आगे बढ़ोगे, तो क्या स्टेजेस आएंगी, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, और हर स्टेज में क्या होगा आपके साथ, एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड ठीक है मैं कहाँ हूँ। एंड देन देर आर सो मेनी लेक्चर्स, सीडीज, और बाय द वे आई हैव जस्ट वन मोर थिंग
जस्ट लास्ट इन्फॉर्मेशन, दिस इज पेन ड्राइव, 8 GB पेन ड्राइव. मैं अपने लेक्चर में सब कुछ नहीं बता सकता आपको, मगर ये जरूर बता सकता हूँ कि मेरे सारे लेक्चर इस पेन ड्राइव में. दे अराउंड 100 लेक्चर्स, नहीं हाँ 100 लेक्चर्स या मोर देन 100. और 50 घंटे के कीर्तन है. कीर्तन हम हरे कृष्णा गा रहे थे डिफरेंट डिफरेंट ट्यून्स के. चाइना में कीर्तन होता है, रशिया में होता है, अमेरिका में होता है, हरे कृष्णा मंत्रास, वो सारी रिकॉर्डिंग इसके अंदर है. वेरी नाइस. और वीडियोज हैं. सो पेन ड्राइव भी है, तो आप पेन ड्राइव यूज़ भी कर सकते हैं. मतलब यू डोंट वेस्ट मनी, यू कैन यू आप अपने लेक्चर्स डाल के इस पेन ड्राइव को यूज़ कर सकते हैं. सो दिस 8 GB पेन ड्राइव कॉस्ट 340 रुपीज़. दिस इज 400 रुपीज़. सो ऑलमोस्ट लेक्चर और ऑडियो फ्री हैं आपके पास, ये समझ लीजिए पेन ड्राइव की कॉस्ट है. सो यू कैन हैव दिस. एंड लास्ट इज माई साइट इज bhaktinews.com. सो किसी को लेक्चर सुनना है तो आप मेरे साइट पे जा सकते हैं. भक्ति न्यूज़, भक्ति न्यूज़ तो सिंपल है, न्यूज़ भक्ति न्यूज़, भक्ति की news.com. वहाँ पे लॉग ऑन करके आप सुन सकते हैं और लेक्चर्स. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग. और फोन ऑफ करने के लिए थैंक यू. कोई क्वेश्चन है, किसी को पूछना है, आई एम गोइंग टू स्टॉप है ना.